आज हम बनाएंगे पनीर वाला निमोना। इसके लिए हमने एक कटोरी मटर लिया है और ये फ्रेश मटर है। इसके साथ हमने 250 ग्राम पनीर लिया है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको हम अभी फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ हमने एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है। तो प्याज को हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे और मटर को हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम मटर को पीस लेंगे, मिक्सी के जार में डालें और इसके साथ ही हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मटर को पीस लेंगे और ये आप देख सकते हैं मटर को हमने पीस लिया है। और ये देखिए इसे हमने थोड़ा दरदरा ही पीसा है क्योंकि निमोना में जब हम इसे भूनेंगे और इसका ग्रेवी बनाएंगे तो इसे हम थोड़ा दरदरा रखेंगे। तो अब हम पनीर को फ्राई कर लेंगे और ये हमने सारी चीज़ों को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मटर को हमने दरदरा पीस लिया है, प्याज को भी हमने दरदरा पीस लिया है और एक टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया और पनीर को हमने फ्राई कर लिया है। इसमें हमने कुछ खड़े मसाले लिए जिसमें एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दो लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी जीरा। तो इसे हम कूट लेंगे और अब हम इसका बनाना स्टार्ट करते हैं, निमोना पनीर। तो आइए इसका हम निमोना पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे और कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। और इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला है 4 चम्मच के करीब, बड़े चम्मच से, और इसे बहुत अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें हम एक तेज पत्ता डालेंगे और साथ में ही ये जो हमने मसाले को कूटा है, खड़े मसाले को, उसे हम डाल देंगे और इसे 2 मिनट भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने दरदरा पीसा है, बहुत बारीक नहीं इसे पीसना है। तो इन्हें हम गुलाबी होने तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम भून लेंगे और प्याज हमारा गुलाबी हो चुका है। इतना ही हमें गुलाबी करना है। तो इसके साथ हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर को भूनेंगे। टमाटर को भूनते हुए हमें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे भूना है। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और साथ में मसाले डालेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में फिर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जितना भी आपको तीखा रखना है। इसके साथ हम धनिया गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, साथ में जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे और इसके साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच के करीब और इन्हें बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे तेल छोड़ने तक। पानी हम अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे, चलाते हुए इसे भूनेंगे। और मसाले को भूनते हुए हमें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें तेल बहुत अच्छी तरह से छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसमें मटर डाल देंगे, मटर जो हमने पीस के रखा है, और इसे हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे मटर को। और इसे हम स्लो फ्लेम पे इसका कच्चापन खत्म होने तक भूनेंगे। अच्छी तरह से इसे चलाते हुए भूनेंगे, मटर का कलर हल्का सा चेंज होने तक इसे हम भूनेंगे। इसे भूनने में हमें
10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि इसे हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। और इसे भूनते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये मसाला और मटर अच्छी तरह से भून चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। तो इसे हम एक बार अच्छे से इसे चलाते हुए भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये सब्ज़ी हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो इसमें हम पानी डालेंगे। जितना भी आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा और पानी और डालेंगे। और इसमें हम अच्छी तरह से एक बार बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। और आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर को जो हमने फ्राई करके रखा है उसे डाल देंगे और इसे हम ढक के छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। इसे हम ढक के छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, ताकि पनीर ग्रेवी में बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। उसके बाद हम इसे आपको सर्व करके दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और हमने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। और ये देखिए, और इसे हम आपको चावल के साथ सर्व करके दिखाएंगे। और ये हमारा गर्मा गर्म सब्जी रेडी है। तो इसे हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे हम चावल के साथ आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए काफ़ी गर्म है। और ये हमारा चावल और साथ में जो हमने सब्जी बनाई है निमोना और पनीर की, ये देखिए कितना गर्मा गर्म सब्जी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरह से कभी आप अपने घर पे बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। इसे बच्चे बड़े सब बहुत ही प्यार से खाते हैं। ये देखिए, तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस तरह से बहुत ही ईजी और टेस्टी कम तेल मसाले में रेसिपी बना के तैयार करें और खाएँ और इन्जॉय करें। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह से ये रेसिपी बना के अपने घर पे ट्राई करें निमोना और पनीर की। बहुत ज़्यादा टेस्टी अमेजिंग रेसिपी है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।